लेकिन जौनपुर के साथ साथ मैनपुरी भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। मैनपुरी की यादव फैमिली की टेंशन बढ़ा दी उन्होंने मैनपुरी में एक जनसभा करके। मैनपुरी में आज समर्थकों का सैलाब दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह पर दांव खेला है। बीजेपी मैनपुरी का किला फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लोगों ने आज फूल बरसाकर ग्रैंड वेलकम किया। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने मंच से, जरा वो भी आपको सुना देते हैं। मैनपुरी में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो इस समय मैनपुरी में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ में मौजूद है, बीजेपी के कैंडिडेट जयवीर सिंह मौजूद है, असीम अरुण मौजूद है, संदीप सिंह मौजूद है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता मौजूद है जो कि यहाँ पर प्रचार करने के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, मोबाइल में उनकी फोटो खींच रहे हैं। इसके अलावा अपनी अपनी छतों से, अपने अपने घरों से लोग फूल बरसा रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है, मुख्यमंत्री की जो यहाँ पर लोगों के बीच में सहजता है, एक्सेप्टेंस है, वो दिखाती है कि किस तरीके का चुनाव होने वाला है इस बार मैनपुरी में। हालांकि 5 विधानसभा में 3 समाजवादी पार्टी के पास सीटें जरूर हैं, लेकिन लोगों का जो हुजूम, लोगों की ये मौजूदगी बताती है कि 2 सीट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी फिलहाल किस तरीके से मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है। मैनपुरी का इतिहास रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ में गढ़ टूटा, जिस तरीके से रामपुर में गढ़ टूटा, जिस तरीके से कन्नौज में समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी को विश्वास है कि मैनपुरी में भी उलटफेर होगा और मैनपुरी में इस बार बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। मैनपुरी के रोड शो में आज जबरदस्त भीड़ थी और इसे देखकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बड़े गदगद नजर आए। उन्होंने इस रोड शो के दौरान अखिलेश यादव पर, पूरी फैमिली पर परिवारवाद का जबरदस्त आरोप लगाया। क्या अटैक किया, जरा ये सुनिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर पकड़ती डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच